जिलाध्यक्ष पाल महासभा के, हमारे समाज सेवी साथी है राया पाल, जिनके ऊपर के खरारी गांव में धीरेन्द्र परिहार व 4-5 लोगों के द्वारा उन पर गोली मार दी 5 तारीख को, तो उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम पूरे समाज के लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ ASS में आए। मुलाकात हो गई? मुलाकात द्विवेदी जी से हुई है, SSP साहब से मुलाकात तो नहीं हुई अभी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएंगे। आए हैं, यदि 1-2 दिन में गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर यहाँ आकर के धरना दें। पूरा काम करा हो तुम्हें पूरी बन रही है? गोली मारी गई, किस वजह से गोली मारी? रंजिश नहीं थी और ना ही इसे कोई मतलब था, लेकिन वो तो क्या है, गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनके ऊपर 33 मुकदमे दर्ज हैं सर, तो अपने वर्चस्व कायम करने के लिए हाथ लगा कर। अब आप लोग पूरे पाल समाज क्या मांग करता है? मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द, उन्हें जेल भेजा जाए, राजा भैया पाल को न्याय मिले, मांग हम लोग करते हैं। सभी लोग इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, उन लोगों के नाम सामने आए जिन लोगों ने गोली चलाई थी? जी, नाम लिखे थे और लिख करके भी दिए हैं हमने पूरे नाम 5, इसमें धीरन परिहार, अरविंद परिहार, नीरज कुशवाहा, महेश कुशवाहा, बबलू कुशवाहा, 2 लोग लकारा के हैं और 3 लोग करारी हैं। वहाँ लगाया गया है राजा जी पर, जो कि गोली लगने के बाद क्या कोई आदमी मार सकता है किसी, और इन्होंने 307 का केस दर्ज करवाया है गलत तरीके से। दोबारा सुबह जारी घर मार राधे की लड़की है जी।